एक हज़ार सब्सक्राइबर मैंने अपने चैनल पे किस तरह इतनी जल्दी कंप्लीट किए चार हज़ार घंटे और एक हज़ार सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए हमें कौन सी टिप लगानी चाहिए अगर आपकी वीडियो पे एक या दो व्यू आने के बाद बिल्कुल व्यूज़ रुक जाते हैं तो आप कौन सी टिप लगाएं जिससे कि आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाए ये सब टिप्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ खैर आफियत से हूँ अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं तो आज से ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शॉर्ट्स वीडियोज़ डालने स्टार्ट कर दें चाहे जो भी हो अगर आपका ये दिल है कि आपने कुकिंग चैनल बनाना है तो आप छोटी छोटी रेसिपीज़ बना के आ, उनकी शॉर्ट वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट कर दें और उस पर अच्छे अच्छे से दो तीन टैग्स लगा दिया करें शॉर्ट के शॉर्ट्स के या अगर कोई आप रेसिपी बना रहे हैं तो रेसिपी फूड इस तरह से दो तीन उसके ऊपर आप हैश लगा दिया करें और अपनी शॉर्ट्स अपलोड करनी स्टार्ट कर दें और अगर आप चाहते हैं कि आप व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करें तो इसी तरह से आपको जो, जो भी डेली एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसमें अगर आपको कोई भी अच्छी चीज़ लगती है तो आप उसका शॉर्ट बनाएं और उसको अपलोड कर दें और तकरीबन एक महीना आप इसी तरह से ही अपने शॉर्ट्स लगाते रहें और अपनी बाकी बड़ी वीडियोज़ जो हैं उनकी सारी तैयारी स्टार्ट कर दें और एक, -एक व्लॉग बना के तकरीबन चार से पाँच व्लॉग आप अपने पास सेव रख लें उसके साथ जब आप शॉर्ट वीडियोस लगाएंगे तो हर शॉर्ट अगर थोड़ा सा भी वायरल हो जाता है और मोस्टली 90 80 टू 90 परसेंट चांसिस होते हैं कि आपकी शॉर्ट वायरल जाती ही जाती है अगर वो वन मिलियन या टू मिलियंस तक नहीं जाती तो वो हज़ारों तक तो स्टार्ट में ज़रूर चली जाती है फाइव तो वो आराम से क्रॉस कर जाती है तो अगर फाइव लोग भी आपकी शॉर्ट को एक दफ़ा देखते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर वो फाइव देखते हैं तो उसमें से कोई दस या पाँच या बीस लोग तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप हज़ार सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कर लें तो आप सबसे पहले अपनी बड़ी वीडियोस पे काम करना स्टार्ट कर दें लेकिन अभी उनको अपलोड नहीं करें बल्कि अपनी शॉर्ट वीडियोस को डेली के डेली तीन चार वीडियो ज़रूर अपलोड कर दें और शॉर्ट वीडियो को आपने अपलोड करना है सात बजे से ले शाम सात बजे से ले कर बजे तक अगर आप उस दौरान अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तो उस दौरान आपकी वीडियो ज़रूर वायरल जाती है और कोशिश करें कि डेली की तीन से चार वीडियो तो ज़रूर आप शॉर्ट अपलोड कर दें इस तरह से आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप दो महीने आ, बायदगी से अपनी शॉर्ट वीडियोस लगाते रहेंगे तो आपके सब्सक्राइबर एक हज़ार तो इन शह करॉस हो जाएगा और मेरे भी सब्सक्राइबर जो वन थाउजेंड मैंने गेन किए हैं इसमें से तकरीबन टू हंड्रेड या थ्री हंड्रेड होंगे जो मेरी बड़ी वीडियोस देख के जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बल और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये सारे शॉर्ट्स से ही मेरे गेन हुए हैं तो इसलिए आप भी अपनी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दें और उसके साथ जो आपने बड़ी वीडियोस तीन या चार या पांच अपने पास बना के रखी हैं, डेली उनको अपलोड करना स्टार्ट करें अगर आज आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आप उसको शेड्यूल पे लगा दें आप कोई भी एक टाइम फ़िक्स कर लें अगर आपने दोपहर दो बजे का टाइम फिक्स करना है तो आप एक दिन पहले एक वीडियो शेड्यूल पे लगा दें अगले दिन के दो बजे की और इसी तरह से दो तीन वीडियोस को आप क्यू में लगा के रख दें और उसके साथ साथ अपनी बाकी की बड़ी वीडियोस भी बनाते रहें और उनकी एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके या जैसे भी है वो बना के तो उसको भी इसी तरह आपके चैनल पर तकरीबन डेली की दो तीन वीडियो तो शेड्यूल में लगी होनी चाहिए और शेड्यूल में आप इस तरह से लगाएं कि आज एक वीडियो अपलोड हो जाए एक कल हो जाए एक परसों हो जाए और इस तरह से और आपके पास बैकअप में भी एक दो वीडियो पड़ी होनी चाहिए जिसको आपने एडिट करके रखा हो वॉइस ओवर करें या जैसे भी और उसको भी फिर अपलोड कर दें क्योंकि आपने जब नया नया चैनल स्टार्ट करना है तो आपने उसमें छुट्टी नहीं करनी आप ये समझ लें कि आपकी एक नई जॉब लगी है जहाँ आपने अपना लोहा बनवाना है तो इसलिए आपने वहाँ पर छुट्टी नहीं करनी अगर आप डेली दो महीने अपनी बड़ी वीडियोस भी अपलोड करते जाएंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट्स भी तो आप देख लें देखेंगे कि आपके चार हजार घंटे भी पूरे हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे और अगर ऐसा करने के बावजूद भी आपके चार हज़ार घंटे पूरे नहीं होते और एक हज़ार सब्सक्राइबर आपके पूरे हो गए हैं लेकिन आपके चार हज़ार घंटे पूरे नहीं होते तो फिर उसका भी हल है उसका हल ये है कि आपका ए, आपका चार हज़ार घंटा जो है वो थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ में आपने कंप्लीट करना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है इसलिए आपने परेशान नहीं होना क्योंकि एक साल में बच्चा पैदा होकर कितना बड़ा हो जाता है तो एक साल में आपका चैनल चार हज़ार घंटे कैसे नहीं पूरे होंगे अगर आप बायदगी से अपनी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे तो आपके घंटे पूरे होते जाएंगे आप खुद अज्यूम करें कि अगर आपकी एक वीडियो के ऊपर फिफ्टी या हंड्रेड व्यूज़ भी आ जाते हैं और आपकी अगर एक वीडियो ट्वेंटी मिनट्स की है तो ट्वेंटी मिनट्स भी अगर आप ऐड करते जाएं तो आपके घंटे पूरे हो जाते हैं ये कोई मसला नहीं है इसलिए आपने परेशान नहीं होना और अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए ठान ली है तो फिर आपने इस पर काम स्टार्ट कर देना फिर ये बगैर सोचे कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे या व्यूज़ आ रहे हैं पता नहीं क्या होगा क्या क्या नहीं होगा फिर ये सारी सोचें आपने ख़त्म कर देनी देनी है इन सारी सोचों को अपने दिमाग से निकाल देना है जब आपने ये इनिशिएटिव ले लिया कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना है आपने यूट्यूब पे काम करना है तो फिर आपने इस पे काम करना है फिर आपने ये नहीं देखना कि मुझे अभी इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा मेरी कोई अर्निंग नहीं आ रही मेरा चैनल मोनिटाइज़ नहीं हो रहा पता नहीं मेरा चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं क्या होगा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिल रहा आपने ये कुछ भी अपने ज़हन में नहीं आने देना बल्कि आपने अल्लाह पर तोल करना है और इस पे काम स्टार्ट कर देना है और फिर ये नहीं सोचना कि मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको नुकसान भी तो नहीं हो रहा ना आप कौन सा इस पे इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने बस अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम उस पर वन मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं और एट द एंड हमें उस पर प्रॉफिट नहीं होता वो तो चले एक टेंशन वाली बात है कि आपने इन्वेस्ट किया लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ लेकिन जब आप व्लॉगिंग या इस तरह का को कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपने इस पर कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं की आप छोटी मोटी वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपके घर में यूज़ हो रही है अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो खाना आप ख़ुद खा रहे हैं आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसलिए आपने इन चीज़ों को अपने जहन में बिल्कुल नहीं आने देना क्योंकि फ़ायदा और नुकसान तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है और आपने इस जज्बे से काम करना है कि अल्लाह पाक आपकी इस मेहनत को और आपके इस जज्बे को दे के वो आपको कामयाब कर दें और इंसान कामयाब तब होता है जब वो खुद स्ट्रांग होता है और अगर आपने किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है तो आई थिंक सो कि मैंने काफी आपके साथ टिप्स शेयर कर दी हैं और अगर और आपको कोई भी टिप चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे से रबा कर लें तो मैं वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूँगी और यहाँ पे हम आज थोड़ी सी शॉपिंग के लिए चले गए थे और यहाँ पे कुछ कपड़े बाय कर लिए थे और ये अगर आप देखें तो जब आपने मेरी ला जो तो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने तो मेरी स्टार्ट की वीडियोस देखी होंगी कि ये वाले वो पौधे हैं जो मैंने अपने हाथों से बोए थे ये बीट से मैंने पौधे बोए थे और आज माशाल्लाह ये इतने बड़े पौधे हो गए हैं और इनके ऊपर मिर्चें लगनी स्टार्ट हो गई हैं तो और जब इन पे पहली मिर्चें लगी तो मैंने सोचा कि मैं इनका भी क्लिप लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैंने इनको बोया था तब भी मैंने इनका क्लिप लिया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था और तब मेरा चैनल अभी न्यू न्यू स्टार्ट हुआ था और आज दो चार महीने मेरे चैनल को भी हो गए हैं और उतनी देर में माशाल्लाह से ये पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं कि इनके ऊपर मिर्चें लग गई हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़